In this video, I am going to share with you all the lifetime worldwide box office collection of Bollywood film Zalim. Dosto Zalim, jo release hui thi 9 December 1994 ko, ye ek Bollywood action movie hai jisko 5 mein se 3 star ki rating di gayi thi. Iske director hai Sikandar Bharti, iske producer hai GP Sippy aur iske writer hai Madan Joshi. Chaliye baat karte hain cast ki. Isme Akshay Kumar, Madhu, आलोकनाथ और रंजीत ये चारों इसमें लीड रोल में और सपोर्टिंग रोल में नजर आए थे, लेकिन इनके अलावा भी फिल्म में काफी सारी कास्ट नजर आई थी। चलिए अब बात करते हैं कलेक्शंस की। फिल्म का इंडिया का लाइफ टाइम जो नेट कलेक्शन था वो था 3 करोड़ 17 लाख रुपए का, 3 करोड़ 17 लाख का। इंडिया का लाइफ टाइम जो ग्रॉस कलेक्शन था वो था 5 करोड़ 40 लाख का, 5 करोड़ 40 लाख रुपीज का। इंडिया से बाहर यानी कि ओवरसीज मार्केट में 6 लाख 6 लाख रुपीज की कलेक्शन की थी, और सब कुछ इंक्लूड करके फिल्म का लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड जो टोटल ग्रॉस कलेक्शन था वो था 5 करोड़ 46 लाख रुपए का, 5 करोड़ 46 लाख का। इसका बजट था 1.5 करोड़ का। अब 1 करोड़ 50 लाख के बजट के हिसाब से फिल्म का इंडिया का जो लाइफ टाइम नेट कलेक्शन था 3 करोड़ 17 लाख रुपए का। उस हिसाब से अगर हम वर्डेड की बात करें यानी कि हिट और फ्लॉप की, तो आपको बता दें कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी, यानी कि फिल्म की जो ऑफिशियल वर्डेड थी वो थी हिट की। अगर मैं गानों की बात करूं तो फिल्म की एल्बम में टोटल 8 गाने थे। गानों को कंपोज किया था अनु मलिक जी ने। चलिए बात कर लेते हैं फिल्म की बेसिक स्टोरी की। अब क्या होता है, फिल्म की जो स्टोरी है वो फोकस करती है आलोकनाथ और उनके 4 बच्चों के ऊपर। 4 बच्चे जो होते हैं उनमें से 3 बेटे होते हैं, 1 बेटी होती है। अब जो आलोकनाथ होते हैं वो फिल्म के अंदर एक जज का रोल निभाते हैं। अब क्या होता है, उनके जो 3 बेटे होते हैं उनमें से एक होता है डॉक्टर, एक होता है पुलिस इंस्पेक्टर और एक अपने पिता की तरह जज बनने की तैयारी कर रहा होता है जो लॉ की पढ़ाई करता है, और वो होता है सबसे छोटा बेटा अक्षय कुमार। लेकिन जो अक्षय कुमार होते हैं वो बहुत ही गुस्से वाले होते हैं, वो गुस्से में अपना आपा खो देते हैं, यानी कि गुस्से में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। उनको खुद नहीं पता कि वो गुस्से में क्या कर बैठे। अब ऐसे में क्या होता है, जो अक्षय कुमार के जो घर वाले होते हैं, फिल्म की जो स्टोरी की बात कर रहा हूं, वो बहुत ही इस बारे में बहुत ही परेशान रहते हैं कि उनका बेटा है जो कहीं वो गुस्से के चलते कोई आगे चलकर बहुत ही गलत कदम ना उठा ले या बहुत बड़ी गलती ना कर दे। अब ऐसे में क्या होता है, एक बार आलोकनाथ और उनकी बेटी की एक हादसे में मौत हो जाती है, जो हादसा पहले से किसी ने प्लान करके रखा होता है। अब एक बार आलोकनाथ और उनकी बेटी की किसी हादसे में मौत हो जाती है। अब ऐसे में जो बाकी दोनों भाई हैं उनको बहुत ही डर रहता है कि ऐसे में जब अक्षय कुमार को इस हादसे के बारे में पता चलेगा तो अक्षय कुमार क्या करेगा। अब जो भी होता है ये तो आप लोगों को फिल्म देखकर पता चलेगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं हूं जतिन, आप सबका दोस्त और मेरे इस चैनल बॉलीव्यूज का होस्ट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप सभी बन जाइए मेरे दोस्त। अब आप सबसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।